Fantasy and the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. सही कह रही हूँ. अब देखो मैं आपको बताऊं, पांच पांच अपने पास वेरिएंट आ गए हैं प्रोटीन के, आ गए हैं प्रोडाइट के. वेरिएंट शब्द से घबराओ मत, है ना, वैरायटी आ गई है. ठीक है, चलो चेंज कर देते, पांच आ गए हैं. लेकिन मैं आपको बोलूं, अभी जो दोनों दो नए आए हैं वो तो धमाल मचाएंगे अलग से, लेकिन जो अभी अपने पास तीन है उसमें से सबसे सबसे तगड़ा समय बेचने का अगर कोई प्रोटीन का है ना, तो वो है न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट. पता है क्यों? पता है क्यों? सबसे बड़ा कारण, अभी भी ठंड का मौसम चल रहा है और मार्च तक भारत के अनेकों राज्यों में ठंड रहती है साहब. अब मैं आपको कुछ सेलिंग टिप्स दे रही हूँ न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट के. जिसने सुन लिया वो बेचना चालू कर देगा. जो टीम काम करती है मेरे पास अगले दिन रिजल्ट्स उसके आ जाते हैं. हवा में कोई भी सेलिंग टिप की बात नहीं कर रही हूँ साहब. चलिए, तो सबसे पहले मुझे अगर कोई सा भी प्रोटीन बेचना है, पीने पिलाने की चीज है साहब, कुछ और मत समझ लेना, पीने और पिलाने की चीज है. दिख रहा है सर, स्लाइड दिख रही है? ओके ग्रेट. सबसे पहली बात मेरे को ये बताइए कि कोई सा भी डब्बा हो, मान लीजिए ये न्यूट्रीचार्ज किट्स का डब्बा है और मुझे बनाने हैं सैंपल, लोगों को टेस्ट करवाना है, एक चम्मच डाला एक पाउच में, अपने बैग में रखना चालू, कितने सैंपल करा सकते हैं, कितने लोगों को टेस्ट करा सकती हूँ साहब, मुझे बताइए एक डब्बे से, अंदाज से सोच लीजिए. कम से कम 20 लोगों को और महीना भर का प्रोडक्ट आता है अपना सर, तो 30 लोग पकड़ के चलिए आप. 30 लोगों को अगर आपने टेस्ट करवाया छोटे छोटे कप में, और मैं आपको बताऊं न्यूट्रीचार्ज की पूरी टीम, मैनेजमेंट की टीम सेलिंग करने का प्रयास करती है जब जब मौका मिलता है. क्यों? ताकि हमको समझ में आए कि कौन सी चीज चलती है, कहाँ समस्या आती है, कौन सा वीडियो भेजने पे सेलिंग होती है, किस चीज से दिक्कत आती है, राइट. तो मैं आपको एक बहुत तगड़ा उदाहरण दे रही हूँ साहब. एक दिन में मिलिंद सर्वटे सर ने, जो हमारे सीईओ हैं, टेस्ट करवा के पवन सर 14 न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता बेचे. कितने? 14. उनको जरूरत है क्या सेलिंग की? टाइम है क्या सेलिंग का? नो. मैं आपको बता रही हूँ साहब, अगर टेस्ट ही नहीं किया आपने तो आपके आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस नहीं दिखने वाला, आंखों में चमक नहीं दिखेगी, झूठ पकड़ लेगा सामने वाला. हेलो, मैं अगर आंखों में आंखें डाल के बात कर रही हूँ ना, तो अभी न्यूट्रीचार्ज व्यू लेके अभी उठी हूँ अभी, क्योंकि इसके पहले भी दो सेशन थे. हेलो, सुबह भी 3 घंटे वर्कशॉप थी. झूठ तो दिख जाता है सब, और कॉन्फिडेंस दिखता है चेहरे पे. आप पकड़ लेते हो ना बच्चों का झूठ? हेलो चंपा जी, बच्चा झूठ बोलता है तो कैसे पकड़ में आ जाता है? तो आपका कस्टमर भी बेवकूफ थोड़ी है, आपका कस्टमर भी बेवकूफ नहीं है. ये गलतियां हम कर रहे हैं साहब. तो चलिए, न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता ठंड में नहीं बेचा तो कब बेचा? बात यह है, लोहा गरम है, क्या करना है, लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा. सबसे पहले टेस्ट करो, एक डब्बा खरीदो, टीम वाले सब मिलके पार्टी कर लो ना भैया 31 जनवरी को. उसके पहले सब कॉन्ट्री करिए, टेस्ट करिए और सैंपल बना के निकलिए फील्ड में. चलिए, कुछ लाजवाब सेलिंग टिप्स बता रही हूँ. जिसने सुन लिया, जिसने लिख लिया, जिसने अपना लिया, बेचेगा. दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं पाई. चलिए, यहाँ पर न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट की मैं आपसे बात करती हूँ. न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट, सबसे पहले मुझे ये बताइए साहब कि क्या पूरे परिवार के लिए एक साथ बनाया जा सकता है क्या? हेलो, पूरे परिवार के लिए एक साथ बना सकते हैं क्या? बोलो हाँ, है ना, हाँ, ठीक है. अच्छा, कोई भी उम्र का व्यक्ति इसको ले सकता है क्या? तो बोलो हाँ, राइट. न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी इसके लिए अलग बनाओ, उसके लिए अलग बनाओ, नहीं, कोई रट्टा नहीं, कोई टंटा नहीं. जैसे खाना बनता है सबके लिए एक साथ, वैसे ही साहब न्यूट्रीचार्ज का प्रोडाइट, कौन सा प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट, पूरा परिवार ठंड में एक साथ पी सकता है बैठकर. क्या ये बात समझ में आ रही है अपने को? यस, राइट. तो किसी के लिए भी है क्या? हाँ, पूरा परिवार पी सकता है. हाँ, किसी भी उम्र का पी सकता है क्या? हाँ. अब आगे चल रहे हैं, इसमें रियल शब्द पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबका अटेंशन चाहिए मुझे. रियल मतलब असली केसर, असली पिस्ता. हेलो, जब आरसीएम कोई चीज डालती है
न्यूट्रीचार्ज कोई चीज डालता है तो असली डालता है, वरना हम डालते ही नहीं। पहली चीज है केसर, असली केसर, असली पिस्ता, हल्दी है, प्रोटीन है, फाइबर है, पांच चीजें डली है, पांच चीजों का कॉम्बिनेशन है। हल्दी वाला दूध तो आप शायद घर में भी बना लोगे, आसान है। केसर कितने लोगों के घर में है, पिस्ता अभी किसके घर में है, प्रोटीन कहां से डालोगे और फाइबर कहां से डालोगे। हेलो, पांच चीजें हैं जबरदस्त। और जिनको लगता है महंगा है केसर का दाम, बताइए पवन सर, 1 किलो केसर कितने का आ रहा है? हजारों की संख्या, हजारों में, हजारों में, लाखों सर। अभी गूगल करेंगे ना, होश उड़ जाएंगे आपके। हाँ जी हाँ। मैं पिस्ता लेने चली गई थी दिवाली पे, मेरी मती मारी गई थी, मैंने बोला भैया आधा किलो पिस्ता दे दो, वो मेरे को ऐसा देख रहा है, मैडम रेट पता है कि नहीं आपको? मैंने बोला नहीं, कितना सा लेके आ गए अपन लड्डू में डालने के लिए, थोड़े में काम चला लेंगे भैया। एक पिस्ता लग जाता है संजय जी मिठाई पे तो उसका रेट 1000 के ऊपर पहुंच जाता है। सही कह रही हूँ? और इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है साहब, केसर लोग समझते हैं, पिस्ता लोग समझते हैं, शायद कोको नहीं समझेंगे, शायद स्ट्रॉबेरी समझना आसान नहीं है, लेकिन केसर और पिस्ता लोगों को पता है। कुछ साल पहले मेरे मित्र लाए थे साहब, ये देखो 6 लाख रुपए किलो कश्मीर से मेरे मित्र लाए थे सर, वो डब्बी हमने 2 साल चलाई, एक हाँ एक एक धागा निकाल लो, और गिर जाता था तो उसको उठा लेते थे। केसर असली, असली पिस्ता, हल्दी, प्रोटीन और साथ में फाइबर। तो अपन फिर से चालू कर रहे हैं, इसको आसान बना रही हूं आज। पूरा परिवार एक साथ पी सकता है क्या? हाँ। सबके लिए एक साथ बनाया जा सकता है क्या? हाँ। किसी भी उम्र का व्यक्ति ले सकता है? हाँ। गर्म दूध में ले सकते हैं क्या? हाँ भाई हाँ। और ठंड में गर्म दूध पीने का, गर्म चीजें पीने का ही तो मजा है साहब। रात में मेरे को खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है, लंच मैंने बहुत हैवी लिया था, ठीक है, तो केवल ये, इससे मेरा काम चल जाएगा क्या? हाँ। कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं अल्पना जी, जो खाना नहीं खाते रात में, नवनीत सर, केवल दूध पी के सोते हैं वो लोग, तो उनको कमजोरी आती जाती है, बुढ़ापा तेजी से बढ़ता जाता है। प्रोटीन जाएगा, हल्दी, केसर, पिस्ता जाएगा, फाइबर जाएगा, हाजमा अच्छा रहेगा क्या? हाँ। मसल्स अच्छे रहेंगे क्या? हाँ। बालों में चमक, गालों में चमक रहेगी क्या? हाँ। इम्यूनिटी अच्छी रहेगी क्या? हाँ। हेलो, ये प्रोडक्ट ठंड में नहीं बेचा ना तो ये तो गुनाह हो जाएगा साहब। टेस्ट इतना लाजवाब है, इतना जबरदस्त टेस्ट है, और प्राइस आप ऐसे बताइए कि केसर की क्या कीमत है, पिस्ता की क्या कीमत है। समझ पा रहे हैं बात को साहब? सेलिंग टिप्स तो मेरे पास इतने हैं कि मैं मतलब 365 दिन बोल सकती हूँ, लेकिन जितने मैं बता रही हूँ अगर आपने उसको भी पकड़ लिया, अगली बात जो करने वाली हूँ उस पर आप लोग सभी लोगों का ध्यान मुझे चाहिए। देखिए साहब, सीधी बात है कि अगर आपके पास बॉटल है, पानी है, तो उसमें पानी लिया और पानी पी लिया, ठीक है साहब। अभी आपके पास पानी है ही नहीं, प्यास लग रही है, क्या करोगे राजेश जी? बिजनेस वॉल्यूम बड़ा चाहिए, पिन भी बड़ी चाहिए, टारगेट बड़े हैं, लेकिन बैग में बड़े बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट रखे हो क्या? ना। देखिए सीधा हिसाब है, बैग में आपने क्या रहता है पवन सर? न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा रखते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, बिक जाता है। न्यूट्रीचार्ज वुमन रखते हैं, दिखाते हैं, बिक जाता है। न्यूट्रीचार्ज S5 रखते हैं, दिखाते हैं, बिक जाता है। तो न्यूट्रीचार्ज वैसे ही अगर बायोएज रख लिया, दिखा दिया, बता दिया, बिकेगा कि नहीं? जो आपके पास है ही नहीं, बेचोगे कहां से? कहां से बेचोगे मेरे को ये बताइए आप। जो दिखता है वो बिकता है, डायलॉग तो अपने को याद है साहब, लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। मैं सेलिंग टिप्स के हमेशा फीडबैक लेती हूँ पवन सर, तो मैं पूछती हूँ कि अरे एकदम से कैसे आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ गया? अभी इसके पहले मीटिंग हो रही थी, महानंद सर की टीम की थी, 50,000 के बिजनेस वॉल्यूम पे पहुंच गए लोग इस महीने 2 ट्रेनिंग में। मैंने बोला ऐसा क्या कर रहे हो? तो बोले मैडम बस एक बात समझ में आ गई कि बड़े बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट रखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। रखने लग गए, दिखाने लग गए, बिकने लग गया, 100 बातों की एक बात। कोई नहीं जानना चाहता कि क्या डला है क्या नहीं डला है। 3 चीजों पे प्रोडक्ट बिकता है साहब। पहली चीज, ध्यान से सुनिएगा,
ये मेरी समस्या को सुलझाएगा क्या, ये पूछता है सामने वाला। दूसरा क्या पूछता है, दाम क्या है, और तीसरा पूछता है कब तक लेना है, कैसे लेना है। सही कह रही, यहीं पर उसकी क्लोजिंग हो जाती है साहब। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पहुंच जाते हैं अटैक करने। डायरेक्ट अटैक मत करो साहब, डायरेक्ट अटैक मत करो। डॉक्टर क्या करता है, बिल्कुल वैसा सिस्टम अपनाना है। नंबर वन, वो आपकी जांच करता है, परीक्षण करता है। क्या करता है आपका, चैट में लिखा मैंने, कैसे जांच करता है, उसके हथियार क्या होते हैं। जितेंद्र जी क्या बोलता है वो, लाओ जीभ निकालो, ये लो थर्मामीटर लगा दिया, फिर स्टेथोस्कोप का उपयोग करता है। तो हमको लगता है हाँ सही जगह आए, डॉक्टर तो है ना। पहले वो जांच करता है, फिर क्या करता है, नंबर टू पे आपसे क्या पूछता है, आपकी क्या क्या समस्याएं हो रही हैं और कब से हो रही है। नंबर टू पे क्या हुआ अल्पना जी, आपकी समस्याएं पूछी उसने, डायग्नोस करता है, डायग्नोस करता है समस्याओं को, और फिर लास्ट में क्या बोलता है कि आपकी तो ये समस्या है, उसका इलाज ये है। हेलो, तीन स्टेप पे चलता है। लेकिन हम क्या बोलते हैं पवन सर, जैसे कोई मिलता है, आप न्यूट्रीचार्ज S5 ले लो, आप न्यूट्रीचार्ज वुमन ले लो, 13 विटामिन, 13 मिनरल, 13 फलों के सत्व, चालू। गुण 50 पोषक तत्व, 3 तरह के प्रोटीन, 10 बोटानिकल्स, चालू। बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, महिला को प्रॉब्लम क्या है, अपन हेल्थ की फील्ड से जुड़े हैं ना साहब, एक्सपर्ट मानते हो ना, न्यूट्रिशन काउंसलर बोलते हो ना, तो तरीके से चलना पड़ेगा। अगर मेरे को समझ में भी आ रहा है ना, हेलो, कि इसको तो यार, इसको तो ना जरूरत है न्यूट्रीचार्ज बीजे की, इसको तो जरूरत है न्यूट्रीचार्ज SNF की, तो भी मुंह मत खोलो। पहला के पहले क्या बोलना है, खड़े हो जाइए बॉडी स्कैनर पे, अभी बताएंगे, पहले अभी हम देख लें, समझ लें, तो उसका विश्वास जागेगा सर। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं करता कि जाकर बैठे आप और उसने बोलना चालू कर दिया कि ये लो भैया, अच्छा जितेंद्र जी आए हैं, ये दवाई ले लीजिए, जाइए। कोई डॉक्टर ऐसा करता है क्या, कोई डॉक्टर ऐसा करता है क्या? हम बोलेंगे अरे पागल डॉक्टर है भाई, मैं जाके बैठा और दवाई लिख दी उसने, और हम तो वही गड़बड़ कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। हेलो मीनाक्षी जी, समझ में आ रहा है? कितना भी अंदर से लग रहा हो ना कि अरे इसको तो न्यूट्रीचार्ज गेनर देना, इसको तो न्यूट्रीचार्ज बीजे देना, थोड़ा सा शांति रखने का, पैसे के पीछे मत भागो, उसको सुनो तो सही, समझो तो सही, उसको सुनने वाला ही नहीं मिल रहा है कोई। चलिए अब मैं यहां पर, क्या इतने सेलिंग टिप्स आप लोगों को समझ में आए, ज्यादा तो नहीं हो रहा है? नहीं मैम, रॉकेट की तरह यहां वहां तो नहीं जा रहा है? नहीं, अंदर अंदर जा रहा है। किधर जा रहा है, किधर जा रहा है? अंदर जा रहा है। ग्रेट। तो सिंह साहब कुछ और नया बताऊं, ज्यादा तो नहीं हो गया, ओवरडोज तो नहीं हो गया है, बता दूं? चलिए कुछ नई चीजों पे बात कर रहे हैं। अभी अपने पास बचे हैं कितने दिन, 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन का समय है मेरे पास, आजमा के देखते हैं, ठीक है? क्या करना है, जैसे वीर क्लब वीरांगना क्लब में होता है वैसा ही कुछ फंडा अपनाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं? जी बने हैं। अच्छा, वहां पर आप लोग क्या पोस्ट करते हो, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, भर भर के मैसेज है। हेलो, सही कह रही हूँ? तो बोलो हाँ हाँ, ठीक है। बिजनेस की कितनी बातें होती है, कोई बुराई नहीं है, सब भारत के लोग है, करिए। बिजनेस की कितनी बातें होती है कि हम आज यहाँ यहाँ जाने वाले हैं सर, आज इतने लोगों का बॉडी स्कैनर होगा सर, बॉडी स्कैनिंग करेंगे, आज इतना माल बेचा, हेलो, कस्टमर के साथ फोटो, हेलो। एक दिन पहले कायदा तो क्या बोलता है नवनीत जी, एक दिन पहले, और एक दिन पहले नहीं तो सुबह 8 बजे तक आपकी टीम के सारे मेंबर्स का प्लान आ जाना चाहिए कि आज कितने लोगों से मिलेंगे, कितने लोगों का बॉडी स्कैनिंग करने वाले हैं, हेलो, और शाम को 7 बजे रिपोर्ट डालिए। आप खुद बॉस हैं, मालिक हैं, बुरा मत मानिए, अपलाइन पूछ लेता है ना कि कितना बिजनेस किया, तो बुरा लग जाता है, बुरा नहीं लगना चाहिए, ये आपके फायदे के लिए साहब, कोई डाले नहीं डाले, आप डालिए, आप डालिए। बिजनी संजय जी, मैं 2 से 3 साल से जानती हूं उनको, कोई डाले ना डाले रिपोर्ट वो हर दिन डालती हैं, लिख कर डालती हैं, कस्टमर का नाम,
कौन सा प्रोडक्ट दिया, कितने का बिजनेस वॉल्यूम, एमआरपी कितना और टोटल कितना क्या हुआ, सब कुछ। दुनिया इधर की उधर हो जाए, रिपोर्टिंग उनकी सबसे पहले आती है साहब। इतना डिसिप्लिन चाहिए बिजनेस में। तो ये 5 दिन हम करके देखते हैं। और जो मैं टीम्स की अभी ये सेलिंग टिप्स ले रही हूं ना, कल एक टीम का लिया था सिंह साहब, उन्होंने रात को 12 बजे तक बैठ के प्लानिंग की, कॉलिंग की, वीडियोस भेजे, वेबसाइट, सोए नहीं वो उसके बाद। और आज मेरे पास रिजल्ट आ गया था, शाम को फोन आया था मेरे पास, बोले आज मैडम हम लोग 18 लोगों से मिले हैं, जो एक से नहीं मिलता था वो 18 18 लोगों से मिला है आज। हेलो, तो हमको अब क्या करना है, रोज हमको व्हाट्सएप पे डालिए आप कि आज आप कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, और शाम को रिजल्ट डालिए। नवनीत सर, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हमको रखना पड़ेगी, जलना नहीं है एक दूसरे से। हेलो, और यहाँ जितने तमाम सीनियर लीडर्स हैं उनके जिम्मेदारी क्या बनती है कि आपको बेचना आता है, आपको नॉलेज है प्रोडक्ट का, तो आप लोग नए लोगों का हाथ पकड़िए, उनकी परचेस लिस्ट देखिए, कौन कहाँ अटक रहा है, रोज मीटिंग लीजिए, पीयूसी पे बुलाइए, वंडर वर्ल्ड पे बुलाइए, और उनको साथ में लेकर जाइए, चल दिखाता हूं कैसे बेचते हैं। कुछ लोगों की सर ज्वाइन तो कर लिया है, हिम्मत नहीं खुलती है, कैसे जाऊं कैसे बेचूं, और वो किस पे बैठे रहते हैं महीने के आखिरी में, जीरो पे। हाथ पकड़ना पड़ेगा, टीम का साथ लेना पड़ेगा, टीम काम करे उससे पैसा मेरे को मिले, सबकी इच्छा होती है कि नहीं। अरे टीम काम करो यार, बोलते हैं ना, मीटिंग भी दे दी, ट्रेनिंग भी दे दी, लेकिन उनको प्रैक्टिकल करके आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी मिलिंद सर का उदाहरण दिया कि नहीं सर आपको, हम उनसे सीखते हैं, भैया 14 14 न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता बेच दिया उन्होंने, तो पूरी टीम सेलिंग करने की कोशिश करती है, और कोई उसके अलावा कोई उसका उद्देश्य नहीं है, बस यही जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज चलती है मार्केट में और कौन सी चीज नहीं चलती है, सीधा हिसाब। अब कल भोपाल में प्रोग्राम होने वाला है मिलिंद सर के साथ, अरविंद सर के साथ और कपिल सर के साथ मैं जाने वाली हूँ, और मैं आपको अंदर की बात बता दूं, आपको मजा आ जाएगा। दो नए जो प्रोडक्ट आए हैं ना अल्पना जी, आप लोगों से पहले शायद मैं टेस्ट कर लूंगी। हेलो, और दूसरी बात, आपको लगेगा कौन सी बड़ी बात है, न्यूट्रीचार्ज की है तो कर लिया, ठीक है, नहीं। अब मैं आपको बताऊं, ये टारगेट मैंने क्वालिफाई किया है, हम होंगे कामयाब। और ऐसे ही बस घर बैठे बैठे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि क्या सेलिंग में काम आता है, क्या सेलिंग में काम नहीं आता है, हमारे पास टाइम ही नहीं फील्ड में जाने। हेलो, 8 8 10 10 घंटे तो हम ट्रेनिंग देते रहते हैं। पवन सर, तो मैं आपको बताऊं, मेरे को आरसीएम से भी इन्विटेशन है, 5,500 का प्रोडक्ट भी मिलेगा फ्री, और न्यूट्रीचार्ज से तो जाना ही है साहब ट्रेनिंग के लिए। हेलो, तो लड़के वालों ने भी बुलाया है, लड़की वाले ने भी बुलाया, एक बार तालियां बजा दो इस बात को भैया। हेलो, तो मौका आपके पास था कि नहीं, आप लोगों के पास मौका था कि नहीं, था। साया जी में प्रोग्राम होने वाला है, अभी भी मौका है, जो आगे ऑफर है, कंपनी बोल रही भिलवाड़ा आओ, कंपनी बोल रही अपना देश घूमो, कंपनी बोल रही पढ़ाई लिखाई करो, सब तो कंपनी बोल रही है, उसके बाद आप ऐसे बैठे हो कि नहीं नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो गलती किसकी, मेरी। मैं भिलवाड़ा नहीं गया, मैंने फैक्ट्री नहीं देखी, मैं अपने शहर से नहीं निकला, गलती किसकी है, मेरी है साहब। एक्शन इज द मैजिक वर्ड। तो यहाँ पर अभी 9:30 बज रहे हैं, मैं 2 मिनट के लिए किसी भी सीनियर साथी को हैंड ओवर करना चाहूंगी। सेलिंग टिप्स बहुत सारे हैं, मेरे को अपनी काबिलियत नहीं दिखानी है, क्षमता नहीं दिखानी है, जितनी बात की उस पर भी अमल कर लिया, 5 दिन में बिजनेस बढ़ेगा, जो सोचा नहीं होगा उससे ज्यादा बढ़ेगा। और उसके बाद मैं आप लोगों को क्लब्स की तरफ ले चलूंगी। ओवर टू पवन सर या सिंह साहब, जो भी, हैंड ओवर टू यू। कैसा लग रहा है और क्या कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि नहीं सबका, वो जरा पूछिए। दोबारा से मैं इनवाइट करता हूँ मेहमान को, और बहुत ही अच्छी, मतलब सेलिंग स्किल के ऊपर आपने बहुत ही बढ़िया जानकारी आज हमारे को दी, और इसमें हमें आवाज आ रही है सर, मैं मेरी यस यस बिल्कुल 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 स्क्रीन पे मैं ही दिखाई दे रहा हूँ, तो हाँ सर, आपको हाईलाइट किया मैंने, जी सर। तो साथियों, मतलब ये जो मैम ने आज अपने को जानकारी दी है, और हम लोग उन लोगों के पास जाते हैं जिनकी पॉकेट अलाउ नहीं करते, और जिसको उसकी रिक्वायरमेंट हम नहीं पूछते, हम उसको लाख मतलब उसको जाते ही हम न्यूट्रीचार्ज मैन का या एस5 का या किसी भी प्रोडक्ट की हम
के जानकारी दिए बगैर, उसकी उसकी इच्छाएं क्या है उनको जाने बगैर हम प्रोडक्ट देने की कोशिश करते हैं। तो मैम ने ऐसा बताया कि उन लोगों के पास आपको जाना है जिनकी पॉकेट भी अलाउ करती है, जिनको न्यूट्रिशन की कुछ नॉलेज भी है, जानकारी भी है। और मेरा मानना ऐसा है मैम कि खुद प्रशासन फिर अनुशासन, हम खुद इस प्रोडक्ट को 100% आगे यूज करेंगे, इसकी नॉलेज लेंगे तो हम निश्चित रूप से कर पाएंगे। और मैम ने बताया कि 5,000 बिजनेस वॉल्यूम तो उसका करवाओ जो अभी अभी डिस्ट्रीब्यूटर, एक नई बहू का जो तरीका बताया हमने, एक एक वो मतलब उदाहरण दिया है कि नए व्यक्ति के लिए है 5,000 बिजनेस। और मैं नाम लिए बगैर बोलूंगा कि कुछ साथी तो अभी मैम हमारे यहाँ डायमंड कलम करने में मतलब कि वो समझ रहे हैं कि सर ये तो ज्यादा हो जाएगा, वो हो जाएगा। डायमंड कलम कोई बड़ी बात नहीं है साथियों, मैंने 36 महीने लगातार स्टार डायमंड कलम किया और एमराल्ड के लेवल पे पहुंच गया हूँ मैं। जिम्मेवारियां मेरी बहुत है, जितने भी साथी हमारे बैठे हैं मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहूंगा कि आप टाइम की मैनेजमेंट बनाइए। टाइम मैनेजमेंट जब तक आप नहीं बनाओगे तो आप ना सेल कर पाओगे, ना लोगों के बीच में जा पाओगे, ना प्लान शो कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अगर हम टाइम की मैनेजमेंट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम सारा कुछ कर पाएंगे। और अभी मैं सुपर डायमंड कलम कर रहा हूँ मैं, मैंने 10,000 बिजनेस वॉल्यूम से। और मेरा एक मतलब कि खुद से एक वादा है, ना न्यूट्रीचार्ज से वादा ना आरसीएम से, खुद से एक मेरा वादा है कि मैं जो भी ऑफर न्यूट्रीचार्ज की तरफ से और आरसीएम की तरफ से मिलेंगे मैं उन सबको क्वालिफाई करूंगा। अभी जिम कार्बेट गए थे हम लोग 4 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक, मैं और मेरी वाइफ, जो फोटो जो वहाँ के नजारे जो हमने शेयर किए अपने रिलेटिव के पास, फ्रेंड के पास और पड़ोसी के पास, एक व्यक्ति ने तो बोला आपके लिए तो इंग्लैंड ही है, विदेश ही है आपके लिए। तो साथियों अभी थाईलैंड का टूर भी मेरा मतलब कि नजदीक है, बहुत नजदीक है, वो सरप्राइज है और वो निश्चित रूप से उसको भी मैं क्वालिफाई करूंगा। मतलब टूर अचीव कर पाए कर लो, लेकिन रास्ते खोल दिए, लेकिन चलना अपने को पड़ेगा साथियों। जी सर, थैंक यू सो मच। और यहाँ एक चीज जानना चाहूंगी, सिंह सर या जो भी हमारे सीनियर साथी हैं, कि क्या जो नए क्लब्स आए हैं और जो एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स का अभी हुआ है, वो सेशन हो चुका है कि हमारी टीम का सर एक बार? नहीं हुआ नहीं मैम, थोड़ा सा अगर आप उसके नहीं मैं बताऊंगी, बिल्कुल बताऊंगी, बिल्कुल। तो इसको हम शॉर्ट में लेंगे, टीम का मैम नहीं हुआ है, लेकिन एक प्रोग्राम हुआ है जिसमें बताया गया, डीसी सर बताए हैं, स्पेशल इस टीम का नहीं हुआ। हाँ, उसके हम बात कर लेते हैं और बहुत जरूरी है। और सब लोग जो है इसको मैं जरूर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको ना नोट कर लें साथियों, स्क्रीनशॉट लेते हैं तो कई बार रह जाता है दिमाग से और फिर हम बोलेंगे कि अरे पहले पता होता तो हम भी कर लेते। क्या होता है फिर, हम बोलते हैं पहले पता होता तो हम भी कर लेते। तो इसलिए पहले से बता रहे हैं साहब आपको, और बहुत आसान है, बहुत ही आसान है और बहुत खूबसूरत ऑफर्स हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को लिए चल रही हूँ नया सिस्टम, नया तरीका और नई जिंदगी पाने का एक बहुत आसान तरीका खोला है आरसीएम ने, न्यूट्रीचार्ज ने। और सबसे बड़ा फायदा सर क्या होगा, 100 बातों की एक बात, जब आप लगातार कोई पिन मेंटेन करते हैं, जब लगातार आप कोई बिजनेस मेंटेन करते हैं, तो उसमें आपकी आमदनी भी क्या हो जाती है साहब, हेलो, आमदनी भी क्या होती है, बढ़ जाती है, हो जाती है। खर्चे हमारे फिक्स हैं, कोई बोलता है अरे 20,000 का खर्चा है मेरा घर का, कोई बोलता है 40,000 का खर्चा है, कोई बोलता है 15,000 का खर्चा है। तो साहब खर्चे तो अपने फिक्स हैं, तो इनकम भी फिक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए साहब, ये बात है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं जरा यस लिखिए चैट में, ये ओपन हो रहा है जब तक। अगर मेरे खर्चे फिक्स हैं तो मेरी आमदनी भी मिनिमम एक फिक्स होना ही चाहिए कि भाई इतना तो मेरे को हर महीने कमाना ही कमाना है, राइट। काफी लोग लिख रहे हैं राइट। चलिए, तो उसी का आपको सिस्टम देने की कोशिश कर रही है आरसीएम, एक तरीका बताने की कोशिश कर रही है आरसीएम और न्यूट्रीचार्ज। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम पे डायमंड क्लब, ये तो हर किसी को पता है, राइट, ये आप लोगों को पता है। और आज हमने ये समझ लिया शुरू से कि 5,000 से जंप लगा के 50,000 तक जाना, 5,000 में 10 लगाना संभव है। देखिए डायमंड क्लब चलता आ रहा था और टीसी सर ने क्या कहा है, सुपर डायमंड से तो नीचे मैं किसी से बात भी नहीं करूंगा, मतलब
10,000 बिजनेस वॉल्यूम, 25,000 है, और फिर लास्ट में राजा वाला एकदम मुकुट वाला है ना, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम। चलते हैं, डायमंड क्लब तो करते आ रहे थे, अभी तक करते आ रहे थे, अब कर लिया तो कौन सा फायदा हो जाएगा? तो फायदा ये होगा, समझ लीजिए, ये आपको पता है 1 से 10 तारीख के बीच 5,000 का बिजनेस वॉल्यूम करना है। अभी भी वही है, कुछ नहीं बदला, कोई सा भी प्रोडक्ट उठाइए, न्यूट्री चार्ज का कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप न्यूट्री चार्ज ही खरीदो, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि अभी जो मौका है, अभी जो माहौल है, उसमें न्यूट्री चार्ज बेचना बड़ा आसान है और बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा है। 5,000 लगातार करते हैं 12 महीने तक, स्पेशल पिन है, सर्टिफिकेट है, और देखिए सबसे खास बात पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटर को भिलवाड़ा जाने का मौका मिलेगा, कंपनी अपनी देखने का मौका मिलेगा, सेलिब्रेशन का हिस्सा बनेंगे, बहुत ही बढ़िया आपका अनुभव होने वाला है। ये था डायमंड क्लब। अब सुपर डायमंड, सुपर में कुछ सुपर बात होना चाहिए, डबल हो गया, 10,000 हो गया, इसमें क्या बोल रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, आजादी है, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम 10 तारीख तक कर लो, कितना, 5,000, बचा हुआ 5 करने के लिए भैया पूरा महीना पड़ा हुआ है, सर्टिफिकेट, पिन, रहना खाना सब मिलेगा, और जब डबल बिजनेस किया है तो फायदा कितने लोगों को होना चाहिए, हेलो, कपल को, तो कपल के साथ जाएंगे, जो आपकी वाइफ बोलती है ना, कहाँ जाते रहते हैं, टूर टूर टूर, दिखा के आइए कहाँ है कंपनी, कैसी कंपनी के लिए काम करते हैं, और अभी बेनिफिट खत्म नहीं हुए। देखिए ये छोटी छोटी चीजें दिख रही है, लेकिन ये हमारे पास है ही नहीं सर। आप कहीं जाते हैं तो कितने लोगों के पास ऐसा बैग है सिस्टमैटिक, RCM का लोगो है, सर जो दिखता है ना वो बिकता है। तो आपके पास एक सिस्टमेटिक बैग रहेगा, आप अच्छे दिखोगे। आपको सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे चालू हो रहा है एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स का। देखिए साहब, मैं तो दुनिया में ऐसा कोई स्कूल नहीं जानती, अमरजीत साहब, ऐसा कोई कॉलेज नहीं जानती जो बोले आओ पढ़ाई भी करो, पास भी हो जाओ और पैसा भी वापस ले जाओ। कोई स्कूल कोई कॉलेज ऐसा है क्या अल्पना जी? और उसमें भी सुविधा है, 3 किश्तों में पैसा दे सकते हैं। तो जीवन में अगर अधूरी इच्छा रह गई पढ़ाई लिखाई की, तो मौका कौन दे रहा है? फिर से RCM, फिर से न्यूट्री चार्ज। और जब बच्चा देखेगा ना कि अरे मेरे पापा फील्ड से आते हैं राजेश जी, और उसके बाद पढ़ाई करते हैं, तो एक यस। तो यहाँ पर मैं आपको जो बोलने की कोशिश कर रही हूँ साहब, कि ये जो मौका है ना, इसको हाथ से जाने मत दीजिए। आपको पढ़ने का पैसा मिल रहा है वापस, कोई कंपनी नहीं करती है, ठीक है? तो बैग मिल रहा है, एडवांस आप बोल पाओगे कि मैं न्यूट्रिशन काउंसलर हूं, आपके पास अधिकार रहेगा। डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, अब आ रहे हैं स्टार डायमंड पे। 25,000 का बिजनेस वॉल्यूम, 5,000 10 तारीख तक, बचा 20 पूरा महीना। ये सारी सुविधाएं वैसी की वैसी है, कपल के साथ भिलवाड़ा, स्पेशल पिन, डिजिटल सर्टिफिकेट, बैग मिलेगा, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स 3 किश्तों में भर सकते हैं, और एक और चीज, दो दो ट्रिप हो गई, भिलवाड़ा भी और एक डोमेस्टिक टूर भी, 2 रात 3 दिन कपल के साथ। हेलो, कंपनी ने कोई चीज छोड़ी नहीं आपके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए साहब। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 50,000 पे है मिनिमम 50,000 बिजनेस वॉल्यूम, 5,000 तो शुरू की 10 तारीख तक, बचा 45 पूरा महीना करिए, ट्रेनिंग लीजिए, सहारा लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? ये सारी सुविधाएं वैसी की वैसी हैं, कपल के साथ भिलवाड़ा भी जाने का मौका मिलेगा, बैग भी है, कोर्स भी करेंगे फ्री में, और अब द एंटायर फैमिली विल एंजॉय टुगेदर। आप भी जाएंगे, आपकी वाइफ भी जाएगी, और दोनों बच्चे भी जाएंगे। हेलो, तो हम साथ हैं, और अगर ये क्लब्स में आप आ जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। कोर्स की कीमत सीधे 3600 कर दी है, 3 भागों में देना है, इसको समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, फ्री में कोर्स करने का मौका फिर शायद नहीं आएगा। 1200 जनवरी में देने हैं, 1200 अप्रैल में, और 1200 जुलाई में। तो सबसे पहले तो हमारे लीडर भरें, ताकि आप टीम को सहयोग कर पाए। किसी को दिक्कत आ रही हो पैसा भरने में, रजिस्टर करने में, तो आप मुझसे नंबर मांग सकते हैं, मैं नंबर जर्नल सर को भेज भी दूंगी। और जब इन क्लब में आ जाएंगे तो इसमें तो आप आ ही गए, हेलो, अभी तक तो पसीने छूट रहे थे, वीर वीरांगना में आ ही नहीं पा रहे थे, अपने आप आ जाओगे, आमदनी बराबर चलेगी। देखो
इंसान को खुश रहने के लिए क्या चाहिए? घूमने फिरने को मिलना चाहिए, मिल रहा है। पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, मिल रही है। आमदनी अच्छी हो, मिल रही है। हेलो, मान सम्मान मिल रहा है। तो अब आपके पास डायमंड क्लब से लेके क्राउन क्लब तक का सब कुछ चिट्ठा सामने है, चुनना आपको। राइट, सो यहां पर मैं अपने व्यक्तित्व को आराम देना चाहूंगी और मैं हैंड ओवर करना चाहूंगी। टीम से उम्मीदें बहुत है। नॉलेज प्लस एक्शन, एक्शन इज द मैजिक वर्ड। थैंक यू सो मच, सभी को शुभकामनाएं। जय आरसीएम और हम सबका चार्ज, न्यूट्री चार्ज। ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैं पूरे जितने भी हमारे भाई बहन, जितने भी सीनियर लीडर हमारे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, उन सब की तरफ से मैं दिल से आपका मतलब शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इतने अच्छे तरीके से आपने हमारे को आज नॉलेज दी। और विशेषकर जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो आपने बताया कि सेलिंग सेलिंग करना हमें सीखना पड़ेगा साथियों। अगर सेलिंग करना सीख गए हम, और सेलिंग भी उन लोगों को करना है जो मच्योर हैं इस प्रोडक्ट के प्रति, और जो जिनकी पॉकेट अलाउ करती है उन लोगों के पास पहुंचना है। सबसे पहले आधार कार्ड मत मांगिए लोगों से, सबसे पहले पैन कार्ड मत मांगिए लोगों से, सबसे पहले उनको हेल्प से जानिए, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या मांगते हैं, क्या चाहते हैं आपसे। वो सबसे पहले हमें उनकी सुननी है, और फिर उनको सुनानी है, प्रोडक्ट की नॉलेज देनी है, और ज्वाइनिंग से पहले अपना प्रोडक्ट रखना है। आदरणीय पीसी चावड़ा जी भी बार बार बोलते हैं, ज्वाइनिंग करवा करके एक एक बार वो 2,000 रुपए का प्रोडक्ट ले लेगा आपसे, या वो बाजार से सेंटर से ले आएगा। लेकिन अगर ताउम्र तक उसको उसका फेस बनने दीजिए, उसका भरोसा, उसका विश्वास जागने दीजिए अपने न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट के प्रति और अपने आरसीएम के प्रोडक्ट के प्रति, तो डायमंड कैश कलम क्या बात है साथियों, आप क्राउन कलम कर सकते हो। लेकिन अंदर जो एक आत्मा सो परमात्मा, अंदर जो बैठी एक आत्मा, उसको जगाने की जरूरत है। और अपना बिजनेस है साथियों प्रोडक्ट का। मैं साथियों आदरणीय अरविंद अरविंद साकी जी और मिलन सरवटे जी, मैडम मनीषा मिश्रा जी और न्यूट्री चार्ज की पूरी टीम के साथ 3 रात और 4 दिन मेरे को रहने का मौका मिला, जो नॉलेज मेरे को मिली साथियों, मेरे को उतना पूरे जीवन में आरसीएम के और न्यूट्री चार्ज के जीवन में सीखने को मिला। उन 4 दिनों में मेरे को सीखने का मौका मिला, अपने आप को जगाया मैंने वहां पे। और मैं न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट के ऊपर, बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर मैं काम नहीं करता था, मैं हाई बिजनेस वालों के जो अपने न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट है उनसे डरता था लोगों को देते समय, लेकिन अब मेरा डर निकल गया जब मेरी बात हुई। तो साथियों सेलिंग स्किल बढ़ाइए, अपनी अपनी नॉलेज बढ़ाइए प्रोडक्ट के प्रति। और कुछ सीनियर साथी हमारे बीच में, मैं ज्यादा समय न लेते हुए, हमारे बीच में कुछ टेक्निकल अचीवर हमारे सीनियर साथी, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा 1-1 मिनट के मैसेज के लिए। भाई आज का मैडम पवार मैडम का आज आपको क्या क्या चीज अच्छी लगी, क्या क्या बातें अच्छी लगी, और टारगेट सर 5 दिन में क्या कैसा काम करेंगे उस पर जरूर बात करें। ट्रेनिंग की टारगेट अपना 5 दिनों में, तो आइए सर अभी हम हमारे बीच में एस के सिंह साहब होंगे। एस के सिंह जी, थैंक यू सर, थैंक यू पवन सर गिविंग मी चांस टू स्पीक टू ऑल ऑफ यू, और थैंक यू, लॉट्स ऑफ थैंक यू रक्षा पवार मैम। आज का वंडरफुल सेशन रहा, बहुत ही बेहतरीन सेलिंग टिक्स पर आपने बहुत ही बेहतरीन बात की, और राइट कस्टमर हमें चूज करना है। सबसे पहले हम लोग मिस्टेक करते थे कि राइट कस्टमर चूज नहीं कर पाते थे, दैट्स व्हाई हम लोगों का टारगेट जो है अचीव नहीं हो पाता था। आपने और जैसे डॉक्टर का एग्जाम्पल देके मैं बात की कि पहले टेस्ट करना है, उसके बाद उनको प्रॉब्लम देखना है कि क्या प्रॉब्लम है, तब जाके ट्रीटमेंट करना है, और समय बहुत कम है। इसलिए मैं एक ही बात सभी से कहना चाहूंगा मैम कि मैं तो रेगुलर सुपर डायमंड क्लब करता हूं, और मैंने 18 महीने स्टार डायमंड भी किया, क्राउन डायमंड भी 1 महीना किया, 1 लाख बीवी भी न्यूट्री चार्ज से किया, अभी लगातार सुपर डायमंड भी हुआ। अभी हम लोग सिलवासा गए थे और सिलवासा से विजिट करके आए हैं, और सुपर डायमंड हर महीने होता है। मैं सभी साथी से एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए डायमंड क्लब अब पुराना हो चुका। वो मैम बताई ना कि वो जो नई बहू है, नए नए लोग जो आ रहे हैं, एग्जाम्पल देकर बहुत अच्छा समझाई कि जो नए व्यक्ति आ रहे हैं, नए डायरेक्ट सेलर हैं, उन्हें हमें डायमंड क्लब कराना है, लेकिन जो डायमंड क्लब कर रहे हैं उनको सुपर डायमंड में लाना है, अवश्य लाना है। और इस पूरे प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो मैम से एक कमिटमेंट हम लोग करें, अपने आप से, मैम से नहीं, मैं अपने आप से कमिटमेंट ये करें
ना मैम साक्षी रहेंगे कि हमें हर हाल में सुपर डायमंड कम से कम करना है। आप क्राउन कर सकते हैं, स्टार कर सकते हैं, लेकिन एट लीस्ट सुपर डायमंड में जरूर आइए। और उसमें में हम लोगों ने अरविंद सर से, मिलन सर, वटे सर से और मनीषा मैम से ने हम लोगों ने कमिटमेंट किया है कि जो न्यूट्री चार्ज का अरसे में जो कोलाबरेशन है उसमें अभी जो परसेंटेज आ रहा है लगभग 20-25% के बीच है, हमें इसको हर हाल में 50% लाना है। Yes. और ये मैं कमिटमेंट करती हूँ रक्षा पवार मैम, हमारी टीम उस पे काम कर रही है और आगे भी करेगी और इसको 50% बनाएंगे। ओवर टू पवन सर। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स। थैंक यू सर। साथियों देखिए, अगर हम आरसी बिजनेस में नहीं है, मान लीजिए एक मिनट के लिए, और हम ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं कोई, और 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपने करियाना की दुकान पे कर रखी है, उस पे आपने नौकर लगा रखा है, बिजली का खर्च है, पानी का खर्च है, चाय का खर्च है, और आपका महीने में 500-700 रुपए का प्रोडक्ट बिके तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी? तो आप साथियों ये सोचिए कि हम खुद मालिक हैं, इस बिजनेस के खुद मालिक है, प्रोडक्ट के खुद मालिक है, आप ट्रेलर खुद है, सारा कुछ खुद है। जब जिम्मेवारी लेके काम करेंगे तो निश्चित रूप से साथियों आप अपने घर की जरूरत का नहीं, आप 1 लाख रुपए पर मंथ का भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में आदरणीय नवनीत सर हमारे बीच में है, टेक्निकल अचीवर सर, 1 मिनट के मैसेज के लिए सर। नवनीत सर, थैंक यू सर। मैं रक्षा मैम को भी हम प्रणाम करते हैं। मैम आपने जो आज सेलिंग टिप्स बताई हैं, राइट कस्टमर सबसे अहम चीज होता है, जो भी साथी हमारे सुन रहे हैं इस चीज को देख लें, क्योंकि जब भी हम प्लान शो करते हैं, प्लान शो का प्रोग्राम हम लोग अटेंड करते हैं, अपने टीम को सिखाते हैं, उसमें सेम चीज यही राइट कस्टमर का एक शब्द हमने नहीं जो रखा था, जो आपसे आज हमने सीखा है। फिलहाल जो अभी सिलवासा जाने का हुआ था, अपने टीम से हम लोग सिलवासा में 3 व्यक्ति पहुंचे थे, उसमें हमारे एसके सर भी थे, मैं भी था, वहां पे हम लोगों ने सर के साथ कमिटमेंट किए थे, जो सर ने हमें ये टिप्स बताए हम लोगों को, वाकई एक लाजवाब टिप्स था। लास्ट दिसंबर महीने में हम लोग गए थे, जिसमें उन्होंने रखा था कि डाटा के हिसाब से डाटा 22% का हम लोग का जा रहा है, जिसे 50% पे लाना है, वो कैसे लाएंगे। साथियों को बीच में इस चीज की हम लोग भी बताते हैं कि उसे लाने के लिए क्या है कि आपके आस पड़ोस आपके टीम में कितने साथी कौन ले रहे हैं कौन नहीं ले रहे हैं, सबको इन्वॉल्वमेंट। मैं इसका डाटा बनाकर लिस्ट बनाकर अपने साथियों को भेजता भी हूं कि आप लोग जिनका 400 हुआ है वो 500 पे कम से कम आ जाएं, जो 900 है वो 1000 कर लें, और जो 2000 है वो 2500 करें। इस पे टाइम टू टाइम वो न्यूट्री चार्ज का मतलब इसको कंप्लीट करते चले, और साथ में आपके घर का जो राशन है उसको भी आप ले रहे हैं, तो दोनों मिलाकर आपका 5000 डायमंड हो रहा है। लेकिन डायमंड के साथ आज जो ये सामने आया, जैसे कि आपने केसर पिस्ता का मैम बताई, केसर पिस्ता का हमारे घर में बच्चों को पेड़ा अच्छा लगता है, केसर पिस्ता को पेड़ा बना के भी लोग बच्चों को हम लोग देते हैं यहाँ पे घर में, और इसका अपने रिलेशन में भी लोग आए तो उनको भी इसका प्रमोशन किया गया कि देखिए इसका पेड़ा भी बहुत अच्छा बनता है, आप इसका पेड़ा भी बनाकर आप बच्चों को खिला सकते हैं, कोई गेस्ट आते हैं उनको दे सकते हैं केसर पिस्ता का। उसके बाद इससे ही प्रमोशन हुआ है, कुछ मतलब घर से भी इस तरह के लोग आए तो लोग इसका प्रमोशन पाकर लिए हैं, और साथियों उसको अपने तरफ से जितने भी हो सके, इसके YouTube पे भी बहुत सा इसका टूल्स दिया गया है, कैसे क्या क्या बन सकता है, कैसे आप बता सकते हैं, कैसे इसका ड्रिंक बनाएंगे, कैसे इसमें बनाना मिलाकर भी आप ड्रिंक बना सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता में बनाना डाल के, बहुत बढ़िया लगता है वो। बहुत ये सब चीज जितना भी बनाकर मतलब अलग टेस्ट फ्लेवर में अगर कोई रिलेटिव आपके आ गए तो इस चीज को देने पे थोड़ा वो लाइक करते हैं और इसका प्रमोशन हो जाता है। तो कैसे आप प्रमोशन कर रहे हैं ये हम पे डिपेंड करता है, तो हम इस चीज को प्रमोशन करते हैं। और प्लस ये डॉक्टर की जो बात आपने की है वो बहुत ही एक शानदार है, क्योंकि कभी भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपने प्रॉब्लम, वो लिसनिंग का हमें पावर सीखना चाहिए कि हम पहले अगले का बात को सीख ले, वो सुन ले पहले कि उससे हम उसके बाद उसकी संतुष्टि खत्म हो जाए, वो बोलना खत्म कर दे, तब जाकर आप उसका डायग्नोसिस करते हुए प्रिस्क्राइब कीजिए कि आपको क्या लेना है, उसका डायग्नोसिस कीजिए। ये चीज हम अपने प्लान में भी लोगों को सिखाते हैं कि आप कैसे बिल्ड योर रिलेशनशिप, कैसे आप रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, कैसे डॉक्टर करते हैं, कैसे सुनते हैं, सुनने की कैपेसिटी आपको डालना होगा, उसके बाद आप डायग्नोसिस करके प्रिस्क्राइब कीजिए। ये सब चीज आपने बताई और बहुत अच्छा लगा, आज सारे साथी बैठे हैं, इसको करना होगा। साथ में सेलिंग टिप्स है, इसके लिए हमको गूगल पे या आप यूट्यूब पे जाकर एजुकेशन लेना होगा, अपने स्किल को बढ़ाकर तब इसके बारे में बता सकते हैं। तो इन्हीं बातों आपने बहुत अच्छा ये फिर से रिमाइंडर दिए सब लोग को और काफी अच्छा लगा,
और इसमें कहेंगे कि बहुत से साथी हमारे थाईलैंड भी, मेरा तो दिसंबर में क्वालिफाई हो गया था, अब कपल के लिए जा रहे हैं, कपल तो हम गए थे हम लोग सिलवासा भी। तो साथियों इस चीज को अपने को भी बताना पड़ता है कि टीम में ऐसे लोग हम लोग जा रहे हैं तो आप भी जाइए, तो इसका प्रमोशन भी किया जाता है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू मेरा तो सर। सर ये मानना है कि जैसे आप चुनिंदा लोग अगर जाएंगे भिलवाड़ा, है ना, तो आपकी टीम बड़ी उत्साहित रहेगी, आपके लिए बड़ा खुश होगी, है ना, बोलेंगे अच्छे सर अच्छे से जाइएगा सर, हैप्पी जर्नी। लेकिन ये अंदर उनको अंदर भी जाना तो है, लगता इसी के लिए जाना है ना पड़ेगा उनको भी, हाँ, अंदर अंदर प्रमोशन लगता के लिए है। उनको भी जाना पड़ेगा। और जब वापस आते हैं तो हार वार लेके स्वागत भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन ये दो चार लोगों के बजाय पूरी बोगी अगर अपनी टीम की होगी जाए। अभी हुई तो क्या धमाल और क्या कमाल होगा, वो पिछले बार मैं हम सोचो 50 व्यक्ति गए थे, मेरे साथ 50 व्यक्ति हम ना। लोग गए थे, और यस इस बार का टारगेट 200 का है जाने का। ये यस इस बार 200 लोग जा रहे हैं भीलवाड़ा अप्रैल महीने में हम लोग का। ग्रेट सर, ग्रेट। ये मैम, ओके थैंक यू मैम। See in the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true.